हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। क्या बारिश आपके मूड और आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है? अचानक बारिश का आना और लंबे समय तक बारिश होना, बादल का छाए रहना या आंधी तूफान का आना, ये सभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारे मूड को कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जब बारिश होती है तो कई बार आपको नींद आने लगती है, कई बार आपका मन उदास हो जाता है, आप तनाव मुक्त या फिर बेचैनी महसूस कर सकते हैं। ऐसा कई हार्मोनल और साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से होता है। कभी आपने सोचा है कि जब सुबह बारिश होती है तो लोग देर से सोकर उठते हैं? जाहिर सी बात है, ये सनरेज ही है जो हमें सुबह सक्रिय होने में मदद करती है, हमें एक्टिव रहने में मदद करती है, और इसकी अनुपस्थिति में हमारा शरीर मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करता है जो हमें नींद दिलाता है। कई लोगों को लगता है कि जब तक बारिश होती है तब तक का समय उनके लिए हैप्पी और खुशी वाला होता है। कई दिनों तक सनलाइट की कमी डिप्रेशन के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकती है, आपको लेथार्जिक बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कई दिनों तक लगातार बारिश होती है तो हमारी प्रकृति का, हमारे नेचर का सर्कैडियन रिदम भी डिस्टर्ब हो जाता है। और आप जानते हैं कि सीजनल मानसून भी कई बार सीजनल डिप्रेशन देता है, खासकर अगस्त सितंबर के महीने में, क्योंकि इन महीनों में मौसम नमी वाला होता है। इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। मौसम में जितनी नमी होती है आपका मूड भी उतना ही स्विंग होता है। इसके अलावा सनरेज हमारे लिए कितना ज़रूरी है हम सभी जानते हैं। सनरेज के संपर्क में आने से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन कंट्रोल होता है जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है, और जो हमारे मूड को बूस्ट करने में हेल्प करता है और इसे काम और हैप्पी रखता है। और यही कारण है कि हम बारिश के मौसम में सनलाइट की कमी के कारण उदासी महसूस करते हैं। रेनी सीजन के दौरान घटने वाली कुछ घटनाओं से मानसून के दौरान हमारा मूड उन एक्सपीरियंस से भी प्रभावित हो सकता है जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं। जैसे आंधी या बिजली गिरने का डर कुछ लोगों के लिए असामान्य नहीं है। कई बार इस तरीके की घटनाएं उस इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं जिन्होंने इन घटनाओं को होते हुए देखा है। इसके कारण इसका असर उनके मेंटल लेवल पर पड़ता है जिससे उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। यहाँ तक कि सनलाइट कम होना या फिर नहीं मिलने की स्थिति में विटामिन डी की कमी भी हो जाती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। ऐसे में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, हमारे मूड को कंट्रोल करता है, क्योंकि मून वाटर एलिमेंट होने के कारण हमारी मानसिक स्थिति को हर पल बदलता रहता है। हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, हम सभी जानते हैं, और ये मून ही है जो हमारे इमोशन और हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। वाटर एलिमेंट होने के कारण जब भी चंद्रमा का मूवमेंट होता है, यानी न्यू मून और फुल मून, उसी तरह रेनी सीजन में भी चंद्रमा का मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि अमावस्या के दिन और उसके अगले दिन बारिश होती है तो कृष्ण पक्ष में बारिश नहीं होगी। यदि अमावस्या या पूर्णिमा के बाद चंद्रमा सूर्य से 8 से 15 डिग्री के अंदर होता है तो 1 महीने तक बारिश होगी, जब तक कि चंद्रमा फिर से उसी स्थिति में नहीं पहुंच जाता, यानी प्रतिपदा तिथि की अंतिम 15 घटी से द्वितीय तिथि की पहली 15 घटी तक बारिश होती है, या दोनों पक्षों में या पूर्ण चंद्रमात के लिए वर्षा होगी। यदि इन डिग्री के अंदर कम वर्षा होती है तो 1 महीने तक एक ही मौसम की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि इस अवधि के दौरान बारिश नहीं होती है तो शेष जो महीने होते हैं उनके लिए भी बारिश नहीं होती। तो न्यू मून और फुल मून की स्थिति उस समय के चार्ट पर निर्भर करती है कि मून किस स्थिति में है। उसी तरह वीनस भी वाटर प्लैनेट है, कम वर्षा होगी, ज़्यादा वर्षा होगी, कब वर्षा होगी, ये सब वीनस पर भी निर्भर करता है। शुक्र जब ईस्टर्न स्काई में, यानी बिफोर सनराइज,
मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हत और चित्रा नक्षत्रों को क्रॉस करते हुए दिखाई देता है, तब ज़्यादा बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है। शुक्र का वेस्टर्न स्काई में यानी सनसेट के बाद स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र के बीच के पीरियड के दौरान प्रचुर मात्रा में वर्षा लाता है। इसे अतिवृष्टि योग भी कहा जाता है यानी प्लेंटिफुल रेनफॉल। यदि इसको रिवर्स कर दिया जाए यानी अनावृष्टि योग, लैक ऑफ रेनफॉल, इसमें वीनस ड्राई क्लाइमेट में हो तो बारिश कम होती है। इसके अलावा जुपिटर, सैटर्न, मार्स और मरकरी का रोल भी होता है बारिश की अधिकता और न्यूनता को समझने के लिए। ऐसे में अगर आपका मूड वर्षा की अधिकता या न्यूनता के कारण डिस्टर्ब होता है तो इसका सबसे अच्छा और सरल उपाय है जो आप बहुत आसानी से कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपके एरिया में रेनफॉल होता है तो कोशिश करें किसी वाइट ट्रांसपेरेंट कांच की बॉटल में बारिश के पानी को भरकर अपने घर में रख लीजिए। इस पानी की विशेषता यही होती है कि इस पानी में बैक्टीरिया नहीं बढ़ते, चाहे पानी कितना भी पुराना हो जाए, क्योंकि इसे अमृत भी कहा जाता है और इसे आशीर्वाद, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता के लिए भी उपयोगी माना जाता है। आप इसे घर के उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्टोर करके रख सकते हैं। इस पानी को मून के मूवमेंट के समय यानी न्यू मून और फुल मून के समय पूरे घर में आप इसे छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से आपका मन शांत और कूल रहेगा। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से इसे समझें तो लोगों की मान्यता ये भी है कि बरसात का ये जो पानी है इसको घर में रखने से, इसे स्नान करते समय उपयोग में लेते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इसे घर की बरकत को बढ़ाने के लिए भी हम इस पानी को घर में रखते हैं। इसके अलावा आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को भी देख सकते हैं। ये वो उपाय होते हैं जो हर व्यक्ति विशेष कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार भी कुछ रेमेडी कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना आए। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।